हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। और आज मैं अपने लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को रिवाइज करना है। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा हम लोगों ने, और अब उसमें हम लोगों ने पढ़ा जितनी भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ थी, सारे चीज़ों को पढ़ा। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड को पढ़ा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में एक और फ्लूइड भी जनरली आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, बट वो होता है विस्को इलास्टिक फ्लूइड। वो फ्लूड जिसमें कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पहले से मौजूद होती हैं, उसको कहा जाता है विस्को इलास्टिक फ्लूड कहा जाता है। जैसे मोल्टेन रबड़, ठीक है, स्पिट, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूड्स जो होते हैं ना, वो विस्को इलास्टिक फ्लूड्स में आते हैं, ठीक है, जो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर है? तो वो जनरली पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप जानिए कि विस्को इलास्टिक फ्लूड उसको कहते हैं, वैसा फ्लूड जिसके पास कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज पहले से क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे, उसको हम लोग विस्को इलास्टिक फ्लूड में कहेंगे। जैसे मोल्टेन रबड़ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग आज अपने लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि देखिए हाउ टू रिवाइज दी होल सब्जेक्ट। ठीक है, अभी तक जो हमने पूरा का पूरा देखा उसको रिवाइज कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखो, आपको रिविजन करना कहाँ से है, फ्लूड के डिफिनेशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि एक्चुअल काम का यही है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, उसको बताने से पहले आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताई गई, बट आप फ्लूड से रिवाइज करोगे तो फ्लूड के बारे में सबसे पहले आप बात करोगे कि फ्लूड क्या है। तो फ्लूड जो है बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो मैटर है जो क्या करता रहेगा, विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली। बस इतना ही लिखना है अपने को, पूरा नहीं पढ़ना है, हम लोग को याद करना है कि फ्लूड किसको कहते हैं, विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली, लगातार डिफॉर्म करता रहे, किसकी वजह से। तो आप कह सकते हो अंडर एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह भी लिखना है कि ये जो शियर स्ट्रेस होना चाहिए, कितना ही छोटा क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस मे बी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि वो शियर स्ट्रेस कितना ही छोटा क्यों ना हो। क्लियर है? तो हम लोगों को पता चला कि फ्लूड जो है वो ये चीज है। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो फ्लूड में आपको याद रखना था वो क्या था, कि आपको डी यू बाई डी वाई यानी कि शियर स्ट्रेस रेट इज इक्वल टू, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट। दूसरा पॉइंट क्या था, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेन रेट होता है, इसी को आप डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। एंड दूसरी चीज, ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहीं से जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन आपको क्या कराता है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई जो हम लोग पढ़ते हैं, यही आपका कौन सा लॉ कहलाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब आपको देखो, मैंने फ्लूड का डिफिनेशन उठाया, फ्लूड का डिफिनेशन उठा करके हम लोग लिखते चले जाएंगे जो जो बातें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि फ्लूड वो चीज है जो शियर रेसिस्ट ऑफर नहीं करेगा, कब, एट रेस्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो अगला पॉइंट लिख सकते हो कि इट डज नॉट ऑफर शियर रेसिस्टेंस, ठीक है, शियर रेसिस्टेंस व्हेन इट इज अंडर रेस्ट कंडीशन। आप सीधे सीधे यहां से ऐसे लिख करके आप वाइंड अप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप आ गए यहीं पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट के सिचुएशन में टाउ एस जीरो होगा, क्लियर है। अब देखिए, यहीं से आप आगे आ जाओगे और आप कहोगे कि सर अगर मेरे पास कोई कंटेनर में रेस्ट में फ्लूड रखा हुआ है तो इसका जो टॉप सरफेस होता है इसको क्या कहते हैं, दिस इज योर फ्री सरफेस, एंड फ्री सरफेस पर केवल और केवल निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, शियर स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, जीरो, ये हमने पढ़ा था। और इसी वजह से इसका जब मोर सर्कल बनाते हैं हम लोग, तो मोर सर्कल बनाने पर हम लोगों को इसका मोर सर्कल क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है, ठीक है, क्लियर है। ये सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लूड के रिगार्डिंग हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली। फिर हमने कहा कि फ्लूड के पास जो कंटिन्यूअस टेंडेंसी ऑफ फ्लो होती है,
टेंडेंसी ऑफ फ्लो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर फ्लूडिटी, हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। और जो लगातार फ्लो कर रहा है उसको हम लोग फ्लो कहते हैं। तो यहीं से हम आगे बात कर रहे थे कि फ्लूडिटी जो होता है इसी वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विस्कोसिटी के, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग देखो एक पॉइंट पकड़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग इस तरीके से बात करते चले जा रहे हैं, अपने आप रिवीजन होता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए सपोज दैट आपने फ्लूड के बारे में सोचा, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, इनसे बाहर आपको कोई फ्लूड में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब आपने फ्लूड के बारे में अगर बात किया था तो फ्लूड को आप ये भी लिख सकते हो कि सर फ्लूड का मतलब लिक्विड एंड गैस बोथ है, ठीक है। अब आप सीधे आ गए कि सर फ्लूड के बारे में अगर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज में लाइन से आप प्रॉपर्टी लिखते हो कि मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा, और डेंसिटी को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम होता है पिकनोमीटर। बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट यूनिट आप निकाल लोगे। दूसरा आप आ जाओगे कि सर अगर हम वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट की बात करें, ओमेगा या गामा की बात करें, तो आप इसको लिख सकते हो कि सर इसको हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज किसको हम रोजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी प्रेशर के साथ ओमेगा का डायरेक्ट रिलेशन होगा, टेम्परेचर के साथ ओमेगा का इनवर्स रिलेशन होगा, हो गया, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी आप आ जाएंगे सीधे स्पेसिफिक वॉल्यूम, वन बाई क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी आपको आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, रो टेस्ट फ्लूड डिवाइडेड बाई रो स्टैंडर्ड फ्लूड। और आपको पता है कि लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड है वाटर एंड गैस के लिए क्या है, एयर, ठीक है, क्लियर है, ऐसे लिख लिया हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए जो हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोमीटर, और एंड दूसरा जो डिवाइस है उसका नाम है एरियोमीटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने वाले जो डिवाइसेस हैं उनमें हाइड्रोमीटर है और एरियोमीटर है, ठीक है, क्लियर है, हमने ये लिख लिया, ठीक है। और आपको बता देते कि हाइड्रोमीटर अगर बोला जाए, दो तरीके के डिवाइस, एक हाइग्रोमीटर भी होता है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि गलती से हाइग्रोमीटर लिख दिया गया है। हाइग्रोमीटर जो है ना वो ह्यूमिडिटी को नापता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को नापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो होता है वो होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। अब देखिए लाइन से हम फ्लूइड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर हमने आपको क्या पढ़ाया था, बीटा, बीटा बराबर क्या बताया था मैंने आपको बताया था माइनस डीवी बाई वी इंटू डीपी, या फिर डी रो बाई रो इंटू डीपी, सिंपल हो गया, ठीक है। तो स्पेस ये आपको बीटा क्या बता रहा था कि सर अगर बीटा की वैल्यू जीरो है मतलब परफेक्टली कैसा फ्लूड होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होगा। फिर हमने बताया था आपको क्या कि देखिए गैसेस को या लिक्विड को जनरली कैसा ट्रीट करेंगे, इनकम्प्रेसिबल जनरली किसको मानते हैं, जनरली लिक्विड को मान के चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से कम हो तो एयर बिहेव्स एज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, हमने इस पर बात कर ली, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो डेंसिटी का चेंज होगा वो 5% चेंज की तुलना में बहुत कम आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आ गए कि सर बीटा पे बात कर लिया अगर हमने तो बीटा आइसोथर्मल भी बोल देते हैं, तो बीटा आइसोथर्मल इज इक्वल टू 1/P, ठीक है, क्लियर है, जस्ट अ मिनट, बीटा आइसोथर्मल इज 1/P। और अगर हम बीटा एडियाबेटिक की बात करें तो आपको 1/γ टाइम्स ऑफ द पी, ठीक है, दैट इज की बीटा आइसोथर्मल जो है वो गामा टाइम्स ऑफ बीटा एडियाबेटिक होगा। यहीं से हम लिख सकते हैं बीटा आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ द बीटा एडियाबेटिक है, यहीं से हम लिख सकते हैं। जब बीटा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया तो बीटा के बारे में अगर बात कर लिया तो हम लोग के भी तो लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे के, और के बराबर लिख देंगे 1/β, और बाकी सारी चीजें आपको पता है। अगर आपने बीटा निकाल रखा है तो 1/k नहीं निकाल सकते हो, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि के जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि 1/β के बराबर होगा। बस फर्क इतना होगा कि परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूड लेंगे तो उस केस में बीटा चूंकि जीरो होता है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी।
तो हम लोगों को याद क्या रखना था, याद ये रखना था कि सर k की वैल्यू अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इनकम्प्रेसिबल की तरफ जा रहे हैं, और जीरो की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। या फिर बीटा के टर्म्स में अगर बात करें तो बीटा की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ा के इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, घटा के जीरो की तरफ जा रहे हैं, बीटा अगर जीरो की तरफ जा रहा है मतलब फ्लूड आपका इनकम्प्रेसिबल की तरफ जा रहा है, और बीटा अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब फ्लूड आपका कंप्रेसिबल फ्लूड की तरफ जा रहा है। क्लियर है? तो देखिए आपको मैंने यहाँ पर क्या रिवाइज कर लिया, मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तक क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके बाद जस्ट सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में हमने क्या बताया था कि ये आपको होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और ये वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण शेप कैसा बनता है, ड्रॉपलेट्स का शेप बनता है स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल शेप बनता है। फिर हमने बोला कि सरफेस टेंशन का जो मेन रीजन था वो क्या था, अगर मेन रीजन देखा जाए तो सरफेस टेंशन का था वो था कोहेजन, और चूंकि कोहेजन मेन रीजन है इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेजन क्या होगा, कोहेजन डिक्रीज करेगा, इसलिए सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चूंकि गैसेस में गैस के पास कोहेजन नहीं होता है इसलिए सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली। समझ में आया कुछ, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। फिर यहीं से अगर हमने बात किया कि अच्छा ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर का नो इफेक्ट होगा किस पर, नो इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि जनरली लिक्विड आर ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। क्लियर है? फिर हमने बताया था कि इसी के कारण ये जो शेप बना रहा है स्फेरिकल, और स्फेयर का सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है कितना होता है, 4πr2। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है रेनड्रॉप। ठीक है, रेनड्रॉप होना बताया था मैंने आपको, हलवाई की दुकान में बूंदी जो बन रहा है ये भी इसी के कारण बन रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमने बोला था आपको कि लिक्विड के लिए क्रिटिकल पॉइंट पर अगर पहुंच गए तो क्रिटिकल पॉइंट पर लिक्विड की जो सरफेस टेंशन होती है वो होती है जीरो। क्रिटिकल पॉइंट पर जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर अगर आप पहुंचोगे तो लिक्विड अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने बात की थी। अब आप देखो, जब आपने इस पर बात कर ली तो अब आप सीधे आ जाओगे कि सर वो केमिकल या वो इम्प्योरिटी जो सरफेस टेंशन को क्या करता है, डिक्रीज कराने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सरफेक्टेंट। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर सरफेस टेंशन को जो मेजरिंग डिवाइस है उसका नाम है टेंसियोमीटर एंड स्टैलेग्मोमीटर। आपने सीधे सीधे लिख दिया। देखो हम कितना आसानी से रिवीजन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिवीजन करने में। पहली बार जब करोगे तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, फिर दोबारा करोगे तो फिर समय और कम लगेगा, फिर तिबारा करो मतलब 2-4-5 बार जब रिवाइज करोगे ना, तो पहले रिवीजन करोगे तो 4 पेज में होगा, 3 पेज में होगा, फिर रिवीजन करोगे तो वो चीज से केवल 2 पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, देखिए इतनी सारी चीजें बताई हैं मैंने, वो सारी चीजें प्रिसाइज हो जाएंगी, और प्रिसाइज होके केवल 1-2 पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम यह है कि आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है इसी के हिसाब से। क्लियर है? और शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे आप, तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर अगर करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, पहले आप सबसे पहले फ्लूड के बारे में बात कर लोगे। ठीक है, फिर आप किसके बारे में बात करोगे कि फ्लूड प्रॉपर्टीज के बारे में, नो स्लिप कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें लिख दी। अब देखिए हमने ये सारी बातें कर ली इसकी रिगार्डिंग। अब इसके बाद हम लोगों को पता है कि एक्सेस प्रेशर निकाला जाता है, तो एक्सेस प्रेशर जो है ये सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन से निकालते हैं। एक्सेस प्रेशर जो होता है वो पी कहो, डेल्टा पी कहो, मर्जी आपकी, पी इनसाइड माइनस क्या होता है, पी आउटसाइड। और अगर डेल्टा पी अगर हम लोग लिक्विड या एयर ड्रॉपलेट में देख लें तो वो होता है 4σd, और अगर यही अगर हम लोग डेल्टा पी सोप में देख लें तो होता है 8σd,
ये होता है 8 सिग्मा बाई डी, और डेल्टा पी अगर हम लोग लिक्विड जेट में देख लें तो ये होता है 2 सिग्मा बाई डी। इस तरीके से हम लोगों ने जाना था, सारी चीजें देख ली हमने। फिर हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, इसके बाद आ जाते हैं वेटिंग नॉन वेटिंग सरफेस पे आ जाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे वेटिंग सरफेस, ठीक है, फिर हम बात करेंगे नॉन वेटिंग। वेटिंग सरफेस का मतलब क्या था कि आपको एडहेसिव बहुत ज्यादा होगा किससे, कोहेसिव से। दूसरा पॉइंट ऐसा होगा थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। तीसरी चीज, आपको सरफेस वेटिंग मिलेगी, और इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्लास एंड वाटर, ठीक है, ये सब आपका एग्जांपल हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली यहां से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अगर नॉन वेटिंग होगा तो नॉन वेटिंग का मतलब क्या है, नॉन वेटिंग का मतलब है कि आपको एफ कोहेजन बहुत ज्यादा होगा किससे, एडेशन से। थीटा हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एग्जांपल होगा मर्करी एंड ग्लास, ठीक है, सो ऑन। तो आपको इस तरीके से रिवाइज करते हुए चलना है, और यहीं से फिर हम लोगों को किस पर आ जाना है, कैपिलरिटी पर। तो मैंने आपको बताया कैपिलरिटी दो टाइप का होगा, कैपिलरी फॉल एंड कैपिलरी राइज, ठीक है। राइज का एग्जांपल आपको किसका लेना है, वाटर इन ग्लास हो जाएगा, फॉल का हो जाएगा आपको मर्करी इन ग्लास हो जाएगा, ये सारे कंडीशन हो जाएंगे। आपको राइज में मिनिस्कस कैसा मिलेगा, ऊपर से देखने पर कॉन्केव मिलेगा, और फॉल में कैसा मिलेगा, कॉन्वेक्स मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर हम कैपिलरिटी को निकालेंगे तो आपको थीटा बीटा सब पता चल जाएगा, और कैपिलरिटी राइज या फॉल का फॉर्मूला आता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो आपको यहीं से पता चल गया कि ये फॉल या राइज यहीं से निकालना है, और एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया। तो यही कारण है कि जैसे जैसे आप डाया बढ़ाओगे, राइज और फॉल घटता चला जाएगा, कैपिलरी राइज और फॉल, और एक टाइम के बाद वो लगभग ना के बराबर होगा, और वो कितना है, 6 mm। तो मैंने बताया था आपको कि 6 mm से कम अगर डाया रखोगे तो आपको कैपिलरी ट्यूब कहलाएगा, और 6 mm से ज्यादा रखोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनोमीटर, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली हम लोगों को बात करनी है, तो प्रैक्टिकली मैनोमीटर ट्यूब का डाया जो है 10-12 mm से ज्यादा ही रखते हैं, क्योंकि अगर बहुत कम रखेंगे तो उसमें जो कैपिलरी हाइट, सॉरी, उसमें जो कॉलम हाइट आएगा वो कॉलम हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए प्रैक्टिकली 10-12 mm से ज्यादा ही रखते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हर वो ट्यूब जिसका डाया 6 mm से कम होगा कैपिलरी ट्यूब कहलाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वेपर प्रेशर। तो मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर क्या है भाई, कि वेपर प्रेशर अगर आपको फ्लूड के फ्लो के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो बबल फॉर्मेशन होगा, और वो बबल फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके कैविटेशन करेगा, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन मैंने क्या बताया था, कि आप ऐसा करो वेपर प्रेशर को फ्लो के प्रेशर के बराबर या उससे कम रखो, तो आपको कभी भी कैविटेशन नहीं होगा। और इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर एक नंबर पढ़ाया था, कैविटेशन नंबर, और कैविटेशन नंबर बराबर क्या लिखा था मैंने, पी माइनस पी वी अपॉन रो वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। यहाँ पर कई लोग पी लिखते हैं, कई बार पी ए माइनस पी वी भी लिखते हैं। पी ए मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर, लोकल टेम्परेचर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैविटेशन नंबर ये बताता है किसमें कैविटेशन होने की टेंडेंसी कितना ज्यादा है। अगर कैविटेशन नंबर कम आ रहा है मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा आ रहा है मतलब बहुत देर में होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो देखो अभी तक मैंने क्या है, लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया, ठीक है। कैविटेशन होने के बाद हम लोग किस पे बात करेंगे, विस्कोसिटी पे। तो विस्कोसिटी का मेन कारण क्या होता, मेरा विस्कोसिटी का मेन कारण होता कोहेजन और मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। अब लिक्विड के पास तो दोनों हो सकता था, गैस के पास केवल क्या होता, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। यही कारण है कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड ज्यादा होती है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस से। और एग्जांपल के लिए मैंने क्या बताया था कि वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो एयर की तुलना में 55 टाइम्स होती है, क्लियर है। फिर उसी तरीके से मैंने बताया कि डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर आप देखते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट जो आती है वो पास्कल सेकंड है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड है, या केजी पर मीटर सेकंड है। चूंकि इसकी यूनिट में केजी आता है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। और अगर डायनेमिक विस्कोसिटी का उसी फ्लूड के डेंसिटी से डिवीजन कर दें तो हम लोगों को जो विस्कोसिटी मिलती है वो क्या मिलती है, वो कहलाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट हम लोगों ने देखा था क्या है, पॉइस है, सॉरी एसआई यूनिट तो हम लोगों ने देख लिया था। सीजीएस यूनिट क्या है, पॉइस है। तो पॉइस को अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10
टाइम्स ऑफ द एसआई वन बाई टेम्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या 10^-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैंने बताया था कि 20°C पे वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो 1 centipoise होती है, ठीक है। मरकरी और वाटर के साथ कंपेयर किया था हमने, तो बोला था कि देखिए मरकरी की डायनेमिक विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है उस मरकरी के पास कोहेजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर के कंपेरिजन में। ठीक उसी तरीके से हम लोग गैसेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने बताया था काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है m²/s। अगर उसका हम सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो सीजीएस यूनिट होगा स्टोक्स, और स्टोक्स को जब कन्वर्ट करेंगे तो 10^-4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने बोला था आपको कि देखिए सेंटी स्टोक्स का मतलब होता है 1/100 टाइम्स ऑफ द स्टोक्स। तो आपको मैंने बताया था कि 20°C पर वाटर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो 1 centistokes होती है, लेकिन एयर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो होती है 15 centistokes। इसका मतलब ये है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, और कितने टाइम्स, तो 15 times, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद किसकी बात की, उसके बाद हम लोगों ने विस्कोसिटी में और आगे बात किया, तो हम लोगों ने देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि देखिए विस्कोसिटी पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसको देखने के लिए हम पहले लिक्विड को देखते हैं फिर गैस को देखते हैं। तो लिक्विड मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों विस्कोसिटी घटेगी, लेकिन ज़्यादा कौन घटेगी, डायनेमिक विस्कोसिटी। जबकि हमने गैसेस में अगर बात किया तो आपको गैसेस में दोनों ही विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड में मेजर रीजन जो है विस्कोसिटी का वो है कोहेजन। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होंगे और विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोहेजन घटेगा, ठीक है। जबकि हमने गैसेस में बात किया तो गैसेस में पता चला कि गैसेस में मेन रीजन जो है विस्कोसिटी का वो है इंटरमोलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बढ़ेगा और विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। मैंने लिक्विड के लिए विस्कोसिटी के लिए एक रिलेशन बताया, μT = μ0/1 AT + BT², ठीक है। जबकि मैंने गैसेस के लिए भी बताया आपको कि म्यू का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, √T के साथ रिलेशन है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारी चीज़ों पर बात की। मैंने बोला कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, डायनेमिक भी बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ाने पर, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ेगा, तो आपको पता चला कि सर काइनेमेटिक बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या है, अगर रिवीजन करने बैठोगे माय डियर, तो ऐसा होगा कि हार्डली आपको पहली बार रिवाइज करोगे तो देखो 1 घंटा तो लगेगा, फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है, लेकिन जब दोबारा रिवाइज करोगे तो वो टाइम बिल्कुल घटेगा, फिर तिबारा रिवाइज करोगे तो फिर और घटेगा। तो होता क्या है कि डेली का डेली आप लेक्चर देखने के बाद अगर आप उसको डेली का डेली प्रिपेयर करते हो तो हार्डली आपको एक लेक्चर को स्टडी करने के बाद अगर उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनता चला जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, शॉर्ट नोट्स जब प्रिपेयर कर लीजिए तो उसको रिवाइज कीजिए। और दूसरा काम, अगर गेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू सॉल्व ऑल दी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करा भी रहा हूँ प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा भी मैं जो क्वेश्चन आपको बताता हूँ उसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्लियर है। तो बेसिकली दो काम आपको करना है, एक क्वेश्चंस बनाने हैं, और दूसरा जो काम आपको करना है वो करना है ये कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स कायदे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्लियर है। ये डिजिटल नोट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स क्या करोगे, अपने से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो फर्दर जब आप नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।